प्रदेश की योगी सरकार वैसे तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने की बात कहती आई है, लेकिन जिला गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका एक बार फिर विवादों में फंसती नजर आ रही है, जहां क्षेत्रीय जनता ने नगर पालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए बताया कि लोनी नगर पालिका में बार बार डस्टबिन के रूप में कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। यहाँ लोगों का मानना है कि पहले लोहे के डस्टबिन लोनी क्षेत्र में लगाए गए थे, जिनके बाद उन्हें हटाकर प्लास्टिक के डस्टबिन लगाए गए, फिर बाल्टी नुमा प्लास्टिक के डस्टबिन लगे, उसके बाद अब स्टील के डस्टबिन लोनी में जगह जगह लगाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये बड़ा सवाल उठना लाजमी है कि क्या मौसम के हिसाब से डस्टबिनों का फैशन बदल रहा है, या किसी कंपनी से साठ गांठ कर कूड़ेदान के नाम पर लाखों रुपए का खेल खेला जा रहा है। यह पहला मामला नहीं है जब सफाई इंस्ट्रूमेंट के रूप में लोनी नगर पालिका कमीशन खोरी का खेल खेल रही है। जैसा कि हम पहले भी कहते आए हैं कि लोनी नगर पालिका जो भाजपा शासित नगर पालिका है उसमें भ्रष्टाचार चरम पे है। इसका जीता जागता उदाहरण अभी देखने को मिला, जैसे कि नगर पालिका ने पहले बहुत बड़े बड़े डस्टबिन रखवाए थे, कुछ समय बाद वो डस्टबिन उठाकर वहाँ से हटा दिए गए, फिर प्लास्टिक के डस्टबिन लगाए, कुछ दिन वो चले, उसके बाद वो भी उठाकर रख दिए, उसके बाद अब नगर पालिका स्टील के डस्टबिन लगा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ नगर पालिका से कि जब तक ये डस्टबिन ख़राब नहीं हो रहे, टूट नहीं रहे हैं, तो इनको बदल कर क्यों कूड़े के ढेर में फेंका जा रहा है? आखिर क्या वजह है कि इस तरह से लोनी नगर पालिका ने तीन तरह के डस्टबिन चेंज कर दिए? इससे साफ जाहिर होता है कि लोनी नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम पे है। भ्रष्टाचार पहले बड़े वाले डस्टबिन के नाम पर, भ्रष्टाचार दोबारा प्लास्टिक के डस्टबिन पर, और अब बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार शायद होने जा रहा है जो स्टील के डस्टबिन लगे हैं। मैं माननीय SDM साहब और DM साहब से गुजारिश करूँगा कि इसकी जाँच की जाए कि लोनी नगर पालिका में इतना भ्रष्टाचार क्यों फैला हुआ है। पालिका परिषद के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि ये जो आए दिन डस्टबिन बदले जा रहे हैं, कभी प्लास्टिक के कभी स्टील के, इनसे जनता का क्या लाभ है और क्या नुकसान है? इसके साथ साथ जो 2 करोड़ रुपए की मशीन नगर पालिका परिषद ने सफाई के लिए खरीदी थी, वो कहां गई, कहां चल रही है या कहां खड़ी है, किस हालात में है, इसका जवाब देने की कृपा करें। धन्यवाद। और हमने इसमें एक जांच सेटअप कर दी है जिसमें हमने उनसे पूछा गया है कि आपके द्वारा कितने इसमें कूड़ेदान खरीदे गए थे और वो कहाँ आपने स्थापित किए हैं, कुल कितना उसमें बजट आपने इस्तेमाल किया है, और उनका हम फिजिकल वेरिफिकेशन भी अपनी टीम से करा रहे हैं।